में हुए नए गठबंधन और सरकार निर्माण के बाद पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते अच्छा काम किया है और अब महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद वहां के किसानों की समस्याओं के साथ अन्य समस्याओं का भी समाधान करेंगे। इंदौर शहर की सुमित्रा महाजन का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव में 70% सीट भाजपा ने जीती है, इसलिए महाराष्ट्र की जनता चाहती है सत्ता का नेता भाजपा का ही होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि शिवसेना और भाजपा मिलकर सरकार बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का हो यह जनता नहीं चाहती। वहीं एनसीपी नेताओं पर भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपों को लेकर पूर्व स्पीकर ने कहा, जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक किसी को भी आरोपी नहीं कहा जाता। छगन भुजबल जेल हो गया बीजेपी की सरकार में और अब उसी एनसीपी से। एक बात सुन लो कि जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता हम नहीं कह सकते, ये तो नियम है, ये तो नियम है। उनकी किसी की सदस्यता रद्द नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी महाराष्ट्र में एक अच्छा सरकार देना जरूरी था, क्योंकि जो वहां पे किसानों की हालत है कुछ निर्णय होना जरूरी था। तो ये सब करने की दृष्टि से कोई ना कोई सरकार, और महाराष्ट्र के लोगों ने तो अपनी राय बताई थी ना कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और शिवसेना बीजेपी का एकत्रीकरण चुनाव से पहले था। तो ये सब हमने समझना चाहिए। अब बीच में ये शिवसेना ने क्यों ऐसे स्टेप उठाए मेरे भी समझ में नहीं आता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिवसेना को भी हमेशा उनके साथ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा, नहीं ऐसा नहीं है, वही सभी शिवसेना सांसदों से भी मेरे अच्छे संपर्क थे और इवन शिवसेना प्रमुखों से भी मेरे अच्छे संपर्क हैं। और एक बात ऐसी है कि मैंने हमेशा छत्रपति शिवाजी तो हम सबके आदर्श थे, मगर मैंने हमेशा अपने जीवन में राजमाता जीजा माता को मातृत्व के लिए अपना आदर्श माना था, श्रेष्ठ आदर्श, या नेतृत्व के लिए मैं झांसी की रानी को मानती आई हूँ। और वैसे मेरे आदर्श तो कर्तृत्व के दृष्टि से अहिल्या माता हमारी है, मगर ये तीन महिलाएं मेरे आदर्श थी और उस दृष्टि से शिवसेना की तरफ मैं हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर मन में था। और यह लगता था कि जो जीजा माता ने अपने बेटे को ये करके जो मावड़े भी तैयार किए छोटे छोटे लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम भरा था, राज्य प्रेम, सुराज्य होना चाहिए। तो आप हम देखते वहाँ तो शिव सैनिक, यानी उस शिवाजी की बात करती हूँ मैं, उस शिवाजी के सैनिक तो ऐसे थे कि उन्होंने कहा था पहले तो सुराज्य की बात, पहले तो कोंडाना की शादी फिर मेरे रायबा की। ये हमारा मराठी में बहुत प्रसिद्ध वाक्य है तानाजी का, तानाजी पिक्चर आएगा ये आपके सामने, मगर ये बात थी। अब यहाँ तो उल्टा ही हो गया, मैं तो देख ही रही थी, यहाँ तो तुम तो शिव सैनिक हो और बात ये हो रही थी पहले मेरा रायबा सुराज्य बाद में, सुराज्य ही आवश्यक था ना, किसानों की समस्या थी, तुम जा भी रहे थे किसानों को, तो पहले तो सुराज्य आवश्यक था। तो बात एकदम से ये कहाँ से आ गई कि पहले मेरा रायबा फिर सुराज्य, ये नहीं मेरे समझ में, वास्तव में मेरे नहीं समझ में आई। कभी होगी तो बात करूंगी। नहीं, लगता तो है पूरे 5 साल ये सरकार चल पाएगी, ये जो गठबंधन है मतलब बहुत अजीब गठबंधन होना तो चाहिए। देखो एक बात समझ लो, होना तो यही चाहिए जो भी गठबंधन 5 साल, तो मेरा भी यही कहना है कि अब राकपा के लोग